पब्लिक टीवी आपकी आवाज। साहस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दिव्य सरस्वती इंटर कॉलेज की 9th की जरूरतमंद छात्रा को 6 महीने की फीस देकर उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। क्लास की सभी छात्राओं को शिक्षा संबंधित सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर डॉक्टर लता चंद्रा ने कहा कि मुख्य उद्देश्य कन्या शिक्षा को बेहतर बनाकर सुदृढ़ समाज की नींव तैयार करना है, ताकि भविष्य में विपरीत परिस्थितियां आने पर भी वो डटकर हिम्मत और साहस के साथ मुकाबला कर सकें। इस दौरान डॉक्टर लता चंद्रा ने कहा कि एक पढ़ी लिखी लड़की जब महिला बनती है, उससे परिवार आगे बढ़ता है, समाज का विकास होता है और राष्ट्र की उन्नति होती है। विश्व में पानी और ऑक्सीजन की कमी को मद्देनजर रखते हुए अंत में सभी को वृक्षारोपण के लिए भी प्रेरित किया गया। उप प्रधानाचार्य तथा शिक्षा मित्र को पौधे देकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर दिनेश चंद्रा, शोभा अग्रवाल, डॉक्टर लता चंद्रा, आरती शर्मा, रीनू चौधरी के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। आज हमने बेटी बचाओ के लिए और बेटी पढ़ाओ के ऊपर अपना एक कार्यक्रम किया है। बेटियों को एम्पावर बनाने के लिए उनको संदेश दिया है कि वो जो क्लास में उन्हें पढ़ाया जा रहा है या जो माता पिता सिखाते हैं, उन पर विशेष ध्यान दें। और जो मोदी जी, योगी जी जिस तरह से आगे उनको बढ़ा रहे हैं, उनकी बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों को संदेश दिया है कि अपने पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दें। और जो चीज़ उन्हें गिफ्ट के तौर पर दी जा रही है, उसकी कोई गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं है, परंतु वो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हैं कि बच्चे जो हैं लिखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। समाज को संदेश देना चाहिए पूरे, ये तो समाज को संदेश है कि बेटियां जो हैं वो हमेशा जब पढ़ती हैं तो हमारा देश आगे बढ़ता है और महिलाएं आगे बढ़ती हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं, बेटियां बड़ी होती हैं, महिलाओं का रूप जब वो लेती हैं परिवार में, तो वो परिवार को बनाती हैं। एक पढ़ी लिखी लड़की अपने पूरे समाज को आगे बढ़ाती है, अपने परिवार को आगे बढ़ाती है, वो एक जननी है, वो पालिका है, तो देश को चलाने में भी उसका बहुत हाथ रहता है। तो परिवार को, समाज को, देश को सशक्त बनाने के लिए महिला का बहुत बड़ा योगदान है। इसे हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें। एक बच्ची के रूप में जब महिला आगे बढ़ती है, उसके अंदर ये फीलिंग आती है, हम उसको मोटिवेट करते हैं, तो निश्चित रूप से वो बड़े होकर किसी ना किसी मुकाम पर ज़रूर पहुँचेगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।